नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों दोस्तों आप सब जो है व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे दोस्तों, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी बंदे को जो है उसका स्टेटस को म्यूट कर देते होंगे। तो दोस्तों इस तरह के व्हाट्सअप में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एक नया व्हाट्सअप है, मतलब न्यू वर्जन है GB व्हाट्सअप का ही। दोस्तों इस तरह के व्हाट्सअप में जो है आप किसी बंदे को म्यूट करते हो तो उसमें जो है अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों एग्जाम एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैं इस पर दोस्तों इसको मैं जो है देख लेता हूँ कुछ इस तरह से, उसके बाद आपको जो है इस तरह से म्यूट कर देता हूँ। तो आप म्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बैक आके दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ जो उसका जो स्टेटस है जिस भी बंदे का मैंने म्यूट किया था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं आता है कि आप उस बंदे को जो है अनम्यूट कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप बहुत ही आसान तरीका से अनम्यूट कर पाएंगे, जिससे जो है अगले वाला बंदा जो भी स्टेटस डालेगा आपको यहाँ से शो होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जाम के तौर पे एक स्टेटस और डाल के मतलब डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं, जिस बंदे को मैंने म्यूट किया था। चलिए मैं आपको जो है यहाँ दूसरे मोबाइल से जो है दिखा देता हूँ मतलब यहाँ पे शो होगा या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेटस आपको डाल के दिखा देता हूँ कुछ भी। चलिए मैं आपको यहाँ कर गुड आफ्टरनून कर देता हूँ, गुड आफ्टरनून सेंड कर देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जो है सेंड हो चुका है, आप देख सकते हैं, जस्ट नो आपको दिखा रहा होगा, लेकिन इसमें जो है दोस्तों दूसरे मोबाइल में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उस बंदे को जो है म्यूट करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप किस तरह से जो है बहुत ही आसान तरीका से उस बंदे को अनम्यूट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। तो उसके बाद आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। तो अगर दोस्तों आप GB व्हाट्सअप चलाते मतलब ओल्ड वर्जन चलाते होंगे तो आपको यहाँ दिखता होगा GB व्हाट्सअप मतलब GB सेटिंग, तो मेरे यहाँ दिख रहा होगा एलेक्स मोड। तो आपको GB सेटिंग में क्लिक कर देना है, मैं जैसे एलेक्स मोड में क्लिक किया वैसे ही उसके बाद आपके सामने सेम टू सेम इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको हीडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्प्रेड चैट ग्रुप मतलब इस तरह का दिखेगा, मतलब इनेबल रहेगा, इसको जो है आपको डिसेबल कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों डिसेबल कर दोगे दोस्तों आपको बैक आ जाना है इस तरह से। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। दोस्तों बैक आने से क्या होता है, जैसे उसको डिसेबल कर दोगे दोस्तों जैसे चैटिंग रहेगा तो ग्रुप का भी इस तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ स्टेटस मतलब अनम्यूट करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा चैट के बाजू में प्लस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इधर म्यूटेड अपडेट्स मतलब इस पर आपको क्लिक कर देना, तीर का निशान दिख रहा होगा इस पर। उसका आप देख सकते हैं दोस्तों जिस बंदे का मैंने म्यूट किया था आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, तो इस पर आपको प्रेस करना है थोड़ी देर, उसके बाद आपको दिख रहा हो, उसके बाद अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको अनम्यूट कर देना है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं फिर से जो है मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिस भी बंदे का मैंने म्यूट किया था दोस्तों। उसके बाद आपको चैट में जो है ग्रुप का ऑप्शन दिख जाता है, मतलब जैसे उसको डिसेबल कर दोगे तो उसके बाद आपको फिर से उसे सेट करने के लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना है, फिर एलेक्स मोड में जाना है, फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा होम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से हीडर में जाना है और यहाँ पे जिस मतलब जिसको आप डिसेबल किए थे उसको जो है फिर से इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली जो है जिस तरह से पहले व्हाट्सअप था उसी तरह से आप सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।